नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम हुडको के नाम से जानते हैं। इस स्टॉक 267 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 7.52% का अपमूव दिया है एंड मार्केट कैप हो गई है इसकी 53,522 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है इसकी 75%, बुक वैल्यू इसकी 83 है, डिविडेंड यील्ड 1.44% है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखिए तो स्टॉक यहाँ पे 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। 5 ईयर्स के टाइम स्पैम पे पीई जो है मीडियम से थोड़ी सी ऊपर है, बट 1 मंथ के टाइम स्पैम पे देखे तो बिल्कुल छोटू सी ऊपर है। तो विद द पासेज ऑफ टाइम एंड ग्रोथ पीई एडजस्ट हो जाती है, जिसको हम पेग भी कहते हैं कि पी ग्रोथ एडजस्टेड पीई रेशियो जो होता है, तो पी बिल्कुल सही है। अभी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100 पे इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे से इंक्रीज किया है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, अभी हमें देखने को मिला है एक बहुत अच्छा मूव एंड यहाँ पे हमें स्टॉक भी इसके जो हमारा चैनल है उसके अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। आज के जो हम टारगेट लेके चले थे उसको ये स्टॉक कर चुका है अचीव एंड हमें अब करने पड़ेंगे अपने टारगेट रिवाइज। जो हम लेके चले थे उसको तो उससे ज्यादा ही अचीव कर चुका है एंड उससे ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम की बात करें तो जो फ्राइडे का वॉल्यूम आया था वो 20 मिलियन का आया था एंड आज जो वॉल्यूम आया है वो 40 मिलियन का आया है। वॉल्यूम में दुगने का इजाफा देखा गया है, तो ये काफी अच्छी बात है एंड ये भी इस स्टॉक के लिए अच्छी बात है कि इस स्टॉक ने ना ऊपर क्लोजिंग दी है एंड रेजिस्टेंस जो लेके आया है वो इस वाली रेजिस्टेंस को इसने फेस किया है, जो कि हम लेके चले हैं 272 की एंड इसका हाई जो लगाया है आज इसने वो लगाया है 269.65 एंड क्लोजिंग दिया है 267.30 पे। तो कहीं ना कहीं इसके आसपास लेके आया है रिवर्सल एंड रिजेक्शन इसको मिली है, बट हालांकि काफी अच्छा मूवी देखे गया है आज। तो एक बार इसको एनालाइज करें तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है फ्रेश एंट्री जरूर बनाई जा सकती है, बट इस चीज का ध्यान रखें कि अपनी रेंज शिफ्ट के पास है। तो अगर वॉल्यूम ऐसा ही रहा तो रेंज शिफ्ट इसके लिए काफी ईजी होगा, अगर नहीं रहा तो ये हल्का सा यहाँ पे हॉल्ट बना सकता है एंड यहाँ पे अगर पुराना पैटर्न हम देखें तो रेंज शिफ्ट के आसपास जब ये मूव देता है तो रेंज शिफ्ट के आसपास इसको वैसे भी हल्की सी दिक्कत आती ही आती है यहाँ पे छोटा सा मूव देखे, पर यहाँ पे देखें अगर हम तो यहाँ पे काफी अच्छे से मूव इसको मिला है एंड यहाँ पे वॉल्यूम आया था 108 मिलियन का, तो 10 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम था तो काफी अच्छे से निकल गया। यहाँ पे 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो वॉल्यूम अगर अच्छा खासा आ गया तो मुझे लगता है स्टॉक निकल सकता है। एक बार वीकली जो कैंडल चार्ट है उसको रीड कर लेते हैं, तो वीकली कैंडल चार्ट पे भी हमें यहाँ पे स्टॉक जो है यहाँ पे रिवर्सल मिलता हुआ दिखाई दिया है। कंफर्मेशन कैंडल ऑफ कोर्स अभी नहीं मिली है एंड ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसकी 276 की, ये इसको काफी स्ट्रांगली फेस करनी पड़ सकती है एंड यहाँ पे भी हम टारगेट लेके चलेंगे। उससे पहले एक बार बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड है 20% का एंड न्यूज है सच कोई भी नहीं है जिसके प्राइस के अपे डाउन में किसी तरीके की मदद करेगी। तो अभी हमारे पास सिर्फ टेक्निकल्स हैं एंड टेक्निकल्स का एक बार हम इसकी रेजिस्टेंस फिर से एक बार लगा लेते हैं। मुझे लगता है ये वाली रेजिस्टेंस भी इसको फेस करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे भी रेजिस्टेंस इसको फेस ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। तो अभी प्राइस बैंड तो इसका 20% का है, काफी अच्छा खासा प्राइस बैंड है, बट ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना होते हुए हम यहाँ पे लेके चलेंगे। पर मैंने थोड़ा नीचे से लगा दिया तो इसको हम रिवाइज करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से यहां तक के ओके तो 12.5% के आसपास के मूव की हम उम्मीद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं 15 और 20 जून के बीच में मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट साथ देती है तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी जा सकता है स्टॉक एंड अगर इसके ऊपर गया और इसने अपने पुराने हाई को ब्रेक किया तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे मूव उसके बाद हमें देखने को मिल सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी इस चीज के बारे में बात करी थी कि जून के एंड के हम टारगेट लेके चले हैं, इसको अचीव करने के लिए इसको 51% के मूव की जरूरत है एंड 15 जून तक हम लेके चले हैं ये 12% के आसपास के मूव। तो मतलब बेसिकली इसी ट्रेडिंग वीक के लेके चले हैं हम, 4 ट्रेडिंग वीक डेज है हमारे पास इस वीक में एंड मुझे लगता है कि यहां तक ये पहुंच सकता है बड़े आराम से। तो आज है 10th 11th 12th 13th 14th, हमारे पास 4 ट्रेडिंग डेज अभी बचे हुए हैं 14 तक के, तो 14 तक का हम ये टारगेट लेके चले हैं। तो यहाँ पे अभी हमने ये देख लिया, अभी RSI का मैंने आपको बता दिया, वीकली RSI भी चेक कर लिया हमने। तो बेसिकली यही मेरी एनालिसिस है एंड कोई बाई सेल और होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।